बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको नमक मंडी का काबली पुलाव बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले हम 1.5 kg सूप लेंगे और एक पतीली में डाल देंगे गोश्त को, और हम 1 tablespoon सोल्ट डालेंगे उसके अंदर। ये देख सकते हैं आप, क्योंकि ये बड़ा स्पून है, ये है 1 tablespoon सोल्ट डालेंगे। ये है मैंने बकरे का गोश्त लिया है, बेबी लैम मीट तो मैंने वो लिया है, और इसमें हम मैंने 2 जग पानी डाले हैं कि यखनी बनाने के लिए, और मैंने इसमें और 1 tablespoon ज़ीरा डाला है और कुछ भी नहीं डाला इसमें। तो चले अब हम इसे 2 घंटे के लिए पकने के लिए रख लेते हैं, जब तक हम दूसरी चीज़ें बनाते हैं। अब हमारा ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया है, अब हम इसमें अनियन डालेंगे। मैंने 1 अदद धनिया लिया था, अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे कुक करेंगे, फ्राई करेंगे। प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। मैंने इसमें 2 टमाटर डाले हैं। ये नमक मंडी का स्टाइल है ना पुलाव, और हमें इसको इतना कुक करना है कि इस टमाटर का पेस्ट बना देना है। और हमारा टमाटर का पेस्ट अच्छी तरह बन चुका है, और अब हमने यखनी से सारा गोश्त निकाल दिया है, मीट निकाल दिया है। और मैंने मीट की बड़ी बड़ी बोटियाँ करवा ली थी, क्योंकि काफ़ी ब्लाउन में बड़ी बोटियाँ अच्छी लगती हैं। तो हम अब इसको फ्राई करेंगे, और इसमें हमने सिर्फ सॉल्ट डालना है, हमने कोई स्पाइस नहीं इसमें डालने, ओनली सॉल्ट डालना है। और इसे अच्छी तरह भून लेना है हमने, ठीक है। जब अच्छी तरह भून जाए, ऑयल छोड़ दे, फिर हम इसमें 1 चम्मच सॉल्ट और ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, और इसके बाद हम इसमें जो हमारी जो अब हम गोश्त हमारा अच्छी तरह भुन गया है, अब हम इसमें चावल डालेंगे। और मैंने 1 घंटा पहले चावल भिगो दिए थे, और मैंने ये जिससे मैं यखनी डालूँगी जग से, उस वो वाले जग मैंने 1.5 लिया था, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको पता हो कि मैंने कितना, और मैं यखनी इसमें डालूँगी 2.5, क्योंकि दम में भी पकाने होते हैं और चावल बहुत अच्छे पकते हैं के लिए ना, हमेशा पानी कम डालना चाहिए चावलों से। तो अब हम इसमें यखनी ऐड कर रहे हैं जो हमने यखनी बनाई थी। और काबली पुलाव का जब भी आप प्याज सबसे पहले फ्राई करते हैं तो टू मच ब्लैक नहीं करना, जस्ट गोल्डन करना होता है, क्योंकि इसका कलर डार्क नहीं होता काबली पुलाव का, लाइट कलर होता है, खिला खिला कलर होता है इसका। चलो अब हम इसमें लिड दे देते हैं, तो हम इसको अभी देखते हैं 10 मिनट के बाद। और हमने एक पैन में 1 चम्मच देसी घी डाला है, और मैंने 1 कैरेट काटी है, ये ऊपर इसकी डेकोरेशन के लिए, और ये काबली पुलाव की शान है, इसके बगैर काबली पुलाव लगता ही नहीं है कि काबली पुलाव है, ट्रेडिशनल डिश है, तो इसलिए मैंने ये बारी बारी की है। और मैंने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, बस इसको थोड़ा सा कुक करना 1 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद हम इसमें कुछ हम मेवे डालेंगे। मैंने बताती हूँ, मैंने बादाम लिए थे कुछ, तो उसको मैंने के माइक्रो ओवन में थोड़ा सा गर्म करके जल्दी से उसके छिलके उतार दिए। ये इजी ट्रिक है कि इसमें बादाम इतने लॉन्ग टाइम भिगो के रख दे। तो और मैंने ब्लैक रेजन लिए, किशमिश और वाइट किशमिश ली है, तो इनको भी थोड़ा सा डाल के हल्का सा फ्राई करूँगी। सम पीपल इसमें शुगर भी डालते हैं फ्राई करते वक्त, थोड़ा स्वीटनेस आती है, लेकिन कैरेट की अपनी स्वीटनेस होती है, और नमक मंडी में, नमक मंडी वाले जो रेस्टोरेंट है उसमें शुगर नहीं डालते, कुछ काबली पुलाव में डाल लोग डालते हैं, तो अपनी अपनी पसंद होती है, चॉइस होती है। तो ये इसी तरह बहुत टेस्टी बनता है, बगैर चटनी के से और बगैर रायता सैलड, तो यखनी से ही बहुत इसका अच्छा टेस्ट आ जाता है, और ना ब्लैक पेपर होता है। और अब हमारा काबली पुलाव तैयार हो गया है, इसमें मैंने कैरेट डाल दी, बादाम, किशमिश मैंने ऊपर डाल दी है, और इसलिए मिक्स नहीं किया, बच्चे प्लेन खाते हैं। और अब हम आपको डिश आउट करके दिख बताते हैं।
इसके फाइनल लुक। और चावल बहुत ही खिले खिले बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये बासमती राइस मैं लेती हूँ हमेशा बिरयानी के लिए और इसके लिए ना, तो ये बहुत अच्छे चावल बनते हैं। और जब भी आप दम से निकालते हैं तो फौरन डिश आउट ना करें, 5 मिनट के बाद इसको डिश आउट करें। ये बहुत ही टेस्टी चावल बने हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे हमारा आज का काबली पुलाव, नमक मंडी का काबली पुलाव। तो प्लीज़ ट्राई करें इस तरह बना के भी, बग़ैर शुगर के, बग़ैर ब्लैक पेपर डाले, कुछ मसाले अदरक लहसुन कुछ भी नहीं मैंने इसमें डाला, जस्ट प्याज टमाटर और गोश्त बस, और कुछ भी नहीं। अब कुछ थोड़े से मैंने मेवे बुझा के रखे थे, अब इसके ऊपर डालूंगी। तो ये हमारा आज का काबली पुलाव तैयार हो गया है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, इससे हमारा हौसला बढ़ जाता है, खुशी होती है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और सॉरी मैं बताना भूल गई, गोश्त ये देखिए हमारा कितना सॉफ्ट हो गया है।